नमस्कार भाइयों, आज हम आपके सामने भाग्य किन पांच चीज़ों से बनता है हमारा, हम अपने भाग्य के बारे में बताना चाहते हैं जिससे कि हमारा भाग्य चमकता चला जाए और हमारा भाग्य हमेशा उज्जवल बने। उसके लिए हम पांच चीज़ें बता रहे हैं जिससे कि हमारा भाग्य चमकेगा। नंबर एक, स्वभाव। हमारा भाग्य हमारे स्वभाव पर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि हमारा अगर अच्छा स्वभाव होगा हर किसी के प्रति तो हमारा भाग्य अपने आप चमकेगा। यदि हमारा स्वभाव कड़वा होगा, हमारा किसी से मिलनसार स्वभाव नहीं होगा, तो उसके लिए भी हमारा भाग्य चमकेगा नहीं। इसलिए हमें अपने स्वभाव को बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, हमें अपने भाग्य को उदित करने के लिए वाणी पर संयंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी वाणी हमारे काबू में है, अगर हम वाणी को तोल के बोलते हैं, हमें कब किस वक्त पर कितना बोलना है, अगर हमारे पास इस बात का निर्णय है तो हमारा भाग्य चमकेगा। क्योंकि यदि हम अपने कड़वी वाणी से अगर किसी को कुछ कह देते हैं तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक ही निचले स्तर पर चला जाएगा। क्यों कि अगर हमने किसी से कड़वा बोल दिया और किसी से झगड़ा हो गया तो हमारा भाग्य कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए हमें अपने भाग्य को चमकाने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। और नंबर तीन, अगर हमें अपना भाग्य चमकाना है तो हमें अपने चरित्र पर बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि यदि जिस इंसान का चरित्र गिरा हुआ है वो इंसान अपने भाग्य में कभी तरक्की नहीं कर सकता, उसका भाग्य नहीं बन सकता। अपना भाग्य बनाने के लिए हमें अपने चरित्र को उज्जवल रखना होगा और एक अच्छे चरित्रवान पुरुष बनना होगा, तभी हमारा भाग्य उदित हो सकता है। नंबर चार, कर्म। कर्म प्रधान है, इसलिए हमें सुबह से शाम तक करते क्या हैं, हमें कर्म बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे और सिर्फ स्वभाव, वाणी और चरित्र पर ही टिके रहेंगे तो भी कुछ भाग्य उदित नहीं हो सकता है। इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए, तभी हमारा भाग्य पूर्ण रूप से उदित होगा। और नंबर पाँच जो आखिरी है वो है, जो हमें परमात्मा ने दिया है उसका सही समय पर सदुपयोग करना हमारे भाग्य में चमक लाता है। जैसे जवानी में अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम कभी भाग्य को उदित नहीं कर सकते हैं, और जितनी हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, ताकत दी है, उसके अनुसार जितना सामर्थ्य प्राकृति ने परमात्मा ने हमारे अंदर प्रविष्ट किया है उसको पूर्ण रूप से, उसका पूर्ण सामर्थ्य से भी ज़्यादा तक कोशिश करके उसके पूर्ण रूप से हमें उसका सुपयोग करना होगा, जवानी का, बुद्धि का, वाणी का, तभी हम अपने भाग्य को उदित कर सकते हैं। नमस्कार भाइयों, इसी तरह की हम जानकारी आपको, नई नई जानकारियां देते रहेंगे। योगराज भाटी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।